So the first question is, the specific gravity of the soil is represented by capital G and the void ratio is small e. The hydraulic gradient I is expressed as option A, G minus 1 upon 1 plus E. Option B kya given hai? G plus 1 upon 1 minus E. Option C, 1 minus G upon 1 plus E. And D option, 1 plus G upon 1 plus E. SSGA 2017 mein question pucha gaya hai. So hydraulic gradient, that is I is equal to hota hai gamma submerge upon gamma W. And I is equal to hota hai G minus E upon 1 plus E. So correct option kya hoga? Option jo hai A correct hoga, that is G minus 1 upon 1 plus E. So next question is, if the coefficient of uniformity of a soil is 9 and the coefficient of curvature is unity, then what is the ratio of the 60 upon the 30? Option A, that is 3. Option B is 2. Option C, 4. Option D, 1. UPPCL A 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज CO गिवन है दैट इज 9 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दैट इज CC गिवन है दैट इज 1. फाइंड करना है D 60 अपॉन D 30 का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो CO इज इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, दैट इज D 60 अपॉन D 10 का रेशियो होता है. एंड CC जो होता है ये होता है D 30 स्क्वायर अपॉन D 60 into D 10. ठीक है, सो पुट करते हैं. सो क्या करते हैं, CO upon CC कर देते हैं, तो CO upon CC is equal to हो गया है, that is D 60 upon D 10. और फिर अपॉन में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, that is D 60 multiplied by D 10 upon D 30 square. ठीक है, तो ये D 10 और D 10 cancel हो गया, ये बचा, that is D 60 upon D 30 का whole square. ठीक है, and CO upon CC की value कितनी given है, CO की value है 9 and CC की value given है 1, तो is equal to हो गया, that is D 60 upon D 30 square. ठीक है, so इसको ऐसे कर सकते हैं, that is 3 upon 1 का whole square is equal to D 60 upon D 10 का whole square. So D 60 upon D 10 की वैल्यू कितनी होगा, इट इज 3. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज D 60 upon D 10 का रेशियो कितना होगा, इट इज 3. द सॉइल मॉइस्चर ऑफ अ क्ले सैंपल वाज डिटरमाइंड फॉर अ प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, इन ऑर्डर इन द हाई मॉइस्चर कंटेंट टू लो मॉइस्चर कंटेंट. सो ऑप्शन गिवन है, इट इज ए, क्या गिवन है, एल कॉमा एस कॉमा पी. बी ऑप्शन है पी एल एस गिवन है. सी ऑप्शन एस एल पी गिवन है. डी ऑप्शन एल पी एस गिवन है. एस एस सी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो वाटर बर्क लिमिट हमको पता है उसका, अगर हम लोग ड्रॉ करें वाटर कंटेंट और वॉल्यूम, वाटर कंटेंट और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ठीक है, सो अगर हम ड्रॉ करें फिगर, ठीक है, सो दिस वन इज लिक्विड लिमिट, दिस वन इज प्लास्टिक लिमिट एंड दिस वन इज श्रिंकेज लिमिट. ये आपका लिक्विड यहाँ पे होता है, दिस वन इज प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड देन सॉलिड एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, इट इज वी एस देन वी पी एंड देन वी एल. सो यहाँ पे क्या गिवन है कि आपको हायर ऑर्डर मॉइस्चर कंटेंट से लोअर लो मॉइस्चर कंटेंट में जाना है. तो अगर सबसे ज्यादा हायर वाटर कंटेंट की बात करें तो लिक्विड लिमिट होता है, देन प्लास्टिक लिमिट एंड देन श्रिंकेज लिमिट. तो लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एल से, तो एल हो गया. प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, तो पी हो गया. एंड श्रिंकेज लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट इज एस से, तो एस हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज एल पी एस. तो और कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A coarse grained soil has a void ratio E is equal to 0.75, and the specific gravity capital G is equal to 2.75, and the critical gradient at which quick sand condition occurs is option kya given hai 0.25, 0.5, 0.75 and 1. UPPSC A 2011, 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, RPSC A 2014 में. सो अगर हम बात किया जाए कि क्रिटिकल ग्रेडियंट या एट विच एट क्विक सैंड कंडीशन दैट इज IC गिवन होता है, IC इक्वल होता है G -1/(1+A). सो G की वैल्यू गिवन है 2.75 -1/(1+A) दैट इज 0.75. ठीक है, सो पुट करते हैं दैट इज 1.75 अपॉन ये हो गया दैट इज 1.75. तो IC क्रिटिकल ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई 1. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली गिव्स द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I टू इनिशिएट क्विक सैंड क्विक कंडीशन इन सैंड हैविंग अ वाइड रेशियो ऑफ 0.5. सो इक्वेशन ए जो ऑप्शन ए में जो इक्वेशन गिवन है इज G = 0.5 I + 1. बी क्या गिवन है ऑप्शन में G = I + 0.5, G = 1.5 I + 1, एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है G = 1.5 I - 1. UPPSC A 2011 एंड MPPSC A 2015 एंड 16 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो हम लोग को पता है इट इज I इज इक्वल टू होता है G - 1/(1+A). ठीक है, सो यहाँ पे वाइड रेशियो गिवन है 0.5, तो पुट करते हैं दैट इज G - 1/(1+0.5). तो रिलेशन निकालना है जी के रेस्पेक्ट में, तो I इक्वल टू है G - 1/(1.5). तो ये हो जाएगा दैट इज G = हो गया 1.5 I + 1. सो इक्वेशन क्या बनी G = 1.5 I + 1. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सो ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा दैट इज G = 1.5 I + 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर द लेंथ ऑफ 30 मीटर एंड द हेड लॉस ऑफ 5 मीटर इज अकर्ड ड्यूरिंग द सीपेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ऑप्शन ए जो है 0.045, 0.045, 0.165, 0.192. फाइंड करना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज I फाइंड करना है. सो I इज इक्वल टू ये होता है HF/L होता है, तो पुट करेंगे 5/30, तो उसको सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू हो गया 0.167. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा 0.167. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन साइज ऑफ अ सॉइल इंडिकेटेड दैट D10 is equal to 0.005 mm, D30 is equal to 0.003 mm, and D60 is equal to 0.006 mm. The uniformity coefficient of the soil is option A जो है 0.5, B 2, C given 3, C given है 6, and D given 1.2. RPSC lecture 2011 question पूछा गया है. So coefficient of uniformity या uniformity coefficient that is CU is equal to होता है D60/D10 का रेशियो होता है. सो वैल्यू गिवन है पुट करते हैं दैट इज 0.006/D10 है 0.005. ये हो गया दैट इज 6/5. सो सॉल्व करेंगे तो C = हो जाएगा 1.2. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा दैट इज 1.2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ग्रैनुलर सॉइल with increasing void ratio the hydraulic gradient, option A जो decrease, B option increase, C option remain and D option 0. SSCA 2008 में question पूछा गया है. So I इसको I directly proportional होता है, sorry I inversely proportional होता है 1/E के. ठीक है, so यहाँ पे क्या है कि अगर आप void ratio को increase करेंगे तो hydraulic gradient क्या होगा, वो decrease होगा. या कह सकते हैं with the increasing of void ratio the hydraulic gradient decreases for a granular soil. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर void ratio increase कर रहे हैं तो hydraulic gradient क्या होगा, decrease होगा. So option A जो होगा correct होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉइड रेशियो एंड द सीपेज वेलोसिटी फॉर अ सॉइल इज 0.5 एंड 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सीपेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन है 3 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷, 12 × 10⁻⁷ एंड डी ऑप्शन क्या गिवन है 18 × 10⁻⁷ SSC 2017 एंड UPSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो वाइड रेशियो गिवन है, दैट इज ई गिवन है 0.5 एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी दैट इज वी गिवन है 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइंड करना सीपेज वेलोसिटी दैट इज वी एस फाइंड करना है. सो वी एस इक्वल टू होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन एन, और एन क्या होता है दैट इज पोरोसिटी होता है. तो फाइंड कर लेते हैं पहले एन, तो एन इक्वल टू होता है 1 + 1 + एन इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 + ई. ठीक है, तो 0.5 अपॉन 1 + 0.5, तो ये हो गया दैट इज 0.5 अपॉन 1.5. तो एन इक्वल टू हो गया दैट इज 5/15 या कह सकते हैं 1/3. ठीक है, सो पुट करते हैं वी एस इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁷ और एन की वैल्यू हो गई 1/3. तो वी एस इक्वल टू हो गया 3 × 6 × 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 6 × 18 दैट इज 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. तो सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई दैट इज 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लो ओवर द लेंथ ऑफ 50 मीटर द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर अकर्ड ड्यू टू सीपेज. द हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट इज गिवन बाय ऑप्शन है 0.1, 0.12, 0.29, 0.32. SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो एल गिवन है 50 मीटर. ठीक है, हेड लॉस गिवन है दैट इज 6 मीटर और फाइंड करना है हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट इज आई फाइंड करना है. तो आई इज इक्वल टू होता है दैट इज HF अपॉन L. ठीक है, तो पुट करते हैं 6 अपॉन दैट इज 50. सो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.12. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा दैट इज 0.12. थैंक यू.